यू आर ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट मी, करेक्ट? लेकिन तुम्हारी ये घटिया साजिश नाकामयाब रही। नहीं पार्वती जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परी भगवान की कसम भी खा लेती है, माँ की कसम भी खा लेती है और बोल देती है कि नहीं, अंबिका ही मेरी माँ है। थोड़ा सा उसको परेशानी तो होती है, इमोशनल भी हो जाती है, क्योंकि अपनी माँ के सामने सारा झूठ बोल रही है ना। एक्चुअली पार्वती जी, आई रियली लाइक। तुम्हें आइडिया भी है तुम किससे बात कर रहे हो? और उसकी माँ भी थोड़ा सा परेशान हो रही है, लेकिन भाई वो उसको करना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर जो नीति है वो उसका जीना हराम कर देगी, अगर उसे पता लग गया कि ये परी है। तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम पार्वती सिंघानिया के सामने खड़े भी हो सको, अंडरस्टैंड? रियली सॉरी पार्वती जी, आपको ह्यूमिलिएट करने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। वही हम देख रहे हैं कि जो नीति है ना वो उसको छोड़ने को राजी नहीं है। यहाँ पर दिलजीत के संग एक नया प्लान बना लिया। अब बरसी में तो नीति कुछ कर नहीं पाई, यहाँ पर कितना नाटक किया उसने, बार बार सबको बोला कि भाई बरसी के मैंने रूम का लॉक खोला, अंदर कुछ सामान लेने गया, बाहर आने ही वाला था कि आप अंदर आ गए। जब मैंने आपको देखा तो मैं कैसे हो रही है, तो मरे हुए इंसान की होती ना, और परी तो जिंदा है, तो आप कैसे यहाँ पर ये सब कर सकते हो? यहाँ पर परी और उसमें बहस भी हो जाती है, राजीव भी बहुत गुस्सा करने लगता है, और यहाँ पर जो परी है ना वो ये भी बोल देती है, पार्वती जी मैं देखता ही रह गया। I was mesmerized, you are so gorgeous. Just shut up, okay? मुझे समझ में नहीं आता कि इस आदमी को आप लोग टॉलरेट भी कैसे करते हो? कि मैं आपकी जो डील है ना वो कैंसिल कर दूंगी, और ये होता भी आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे भी कि यहाँ पर जो राजीव के संग डील है ना वो कैंसिल हो जाएगी। अब गुरविंदर, बेबे, सारे लोग उस यू नो वॉट, तुमसे ज्यादा घटिया आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है, बात समझ आई? से हाथ जोड़ रहे हैं, परी से माफी मांग रहे हैं नीति के जगह, लेकिन यहाँ पर भाई परी मानेगी नहीं और परी डील कैंसिल कर देगी। लेकिन हो सकता है कि नीति शायद माफी मांग ले तो भाई डील कैंसिल। I'm really sorry. Leave. Just get out. पार्वती, ये दलजीत का घर है, तुम्हारा नहीं। नहीं हो, लेकिन नीति ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि नीति कहाँ सॉरी बोलने वाली, पहले भी तो उसने सॉरी नहीं बोला है, और वो भी परी से सॉरी तो वो कभी भी नहीं बोलने वाली है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बरसी का प्रोग्राम चल रहा है, और यहाँ पर परी की माँ, उसका भाई, बबली, सब लोग ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं नीति से कि भाई किसी तरह तुम ये तो हो जान दो, यहाँ पर वो मर गई है, अब उसकी आत्मा को शांति तो मिलने दो। लेकिन यहाँ पर नीति मानने को तैयार ही नहीं, और फिर ना परी के जो घर वाले हैं उसका फोटो उठाते हैं परी का, और वो ले जाते हैं और बोलते हैं हम अपने आप पूजा वगैरह कर लेंगे, और यहाँ पर भाई परी का कोई स्थान नहीं है। और अब हो सकता है कि शायद ये सारे घर वाले ना परी के चले जाए, मतलब पार्वती के रहने लगे अंबिका के साथ। तो देखते हैं अभी आने वाले एपिसोड में क्या और ट्विस्ट आएगा। लेकिन आप मुझे बताइए, आपको परिणीति का एपिसोड कैसे लग रहा है, और आपको क्या लगता है कि नीति अपनी जो प्लानिंग है उसमें सक्सेसफुल हो पाएगी? क्या यहाँ पर परी को एक्सपोज कर पाएगी, या फिर परी ये सामने चीजें लेकर आ पाएगी कि नीति ने जो उसके साथ किया था उसको जान से मारने की भाई कोशिश की थी? यहाँ पर गुरविंदर भी मिले हुए थे, बेबे भी थे, दलजीत भी था, तो यहाँ सब इन सब लोगों को एक्सपोज कर पाएगी, तो या फिर राजीव के सामने सच आ जाएगा नीति और परी का?